नमस्कार, मैं उदित आर्यन न्यूज़ वन 11 के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। देश में चुनाव का माहौल है, हर तरफ मोदी और राहुल को लेकर लड़ाई चल रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे चाय का दुकान हो या रेलवे स्टेशन हो, हर जगह हमें लोग बहस करते हुए राजनीति पर दिख जाते हैं। पर इन सब के बीच समाज का एक ऐसा तबका भी है जो अपना बात हम तक नहीं पहुंचा पाता है। आज हम उसी तबके से बात करने निकल आए हैं पटना के सड़कों पर। क्या नाम हुआ आपका? राजेश नाम है। राजेश, क्या करते हैं आप? मध निकालते हैं, डंका उंका बजाते हैं। अच्छा, तो आप मध निकालने का काम करते हैं। चुनाव चल रहा है देश में, पता है? पता है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, प्रधानमंत्री को चुनना है। चुन लिया हम लालू यादव को। तो लालू यादव को प्रधानमंत्री थोड़े बनेंगे, वोट आप किसको कर रहे हैं ये बताइए पहले। लालू यादव को। अच्छा, पटना में किस दिन चुनाव है, किस दिन आपको वोट डालना है, पता है डेट आपको? सुने तो 19 तारीख का है। हाँ, 19 तारीख को है, तो मतलब लालू जी को वोट डालिएगा आप। अच्छा, लालू जी जेल में है, लालू जी आप लोग से मिलने नहीं आए हैं, उसका कोई असर पड़ा है? बेटा उसका है ना, तेज प्रताप। तेज प्रताप, मतलब तेज प्रताप आप लोग से मिलने आते हैं? ऐबे करता है, ये पर ना आया है, इसका पीछे क्वार्टर में। बताइए क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ? क्या उसी में काम है? नाम क्या हुआ आपका? अरे दुलारी नाम है। देश में चुनाव चल रहा है, तो वोट करती हैं आप? हाँ। वोट करती हैं? हाँ। किसको वोट करिएगा? कहने में तो डर लगता। अरे नहीं नहीं, बताइए आप किसको वोट करिएगा? लालू में देते हैं। लालू जी को करिएगा वोट? कहा है मोदी जी कुछ काम नहीं किए 5 साल में? कहा एगो सालो नहीं दिया, साल भी आपको नहीं दिया? नहीं, एगो खानो नहीं दिया। तो लालू जी क्या, लालू जी अभी जेल में है, लालू जी अभी जेल में है, काम तो भी अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर लालू जी को वोट क्यों दीजिएगा? उसी को देंगे, उसी को। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ आपका? रेखा हुआ। क्या करती हैं आप? घर द्वार करते हैं, आपको जनावर। किसको वोट देना है इस बार? हम लोग तो लालू के बेटा में देंगे। लालू के बेटा में देंगे कि लालटेन में देंगे? लालटेन में देते हैं। और जो सरकार है, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, काम नहीं किए हैं? हम लोग का तो लालू पर सब कुछ किया, तो उसमें हम कुछ देंगे। क्या किए लालू आप लोग के लिए? सब कुछ के सुविधा दिया है। तो बोलोगे बोलो। क्या नाम हुआ आपका? नरेश कुमार। यहीं रहते हैं, इसी बस्ती में रहते हैं? हाँ, उपट्टी रहते हैं। उपट्टी रहते हैं। देश में चुनाव चल रहा है, पता है कि नहीं? जी बिल्कुल पता है। तो किसको वोट करना है इस बार? वोट तो की बार जो है विकास के मुद्दा पर रहेगा। जी, तो किसको वोट कर रहे हैं? विकास का मुद्दा जो विकास किया उसको वोट डालेगा। अच्छा, विकास तो कमल को डाल रहे हैं वोट आप? बिल्कुल। मतलब मोदी जी के 5 साल के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। देश जो इतना डेवलपमेंट हो गया, देश इतना आगे बढ़ गया, तो जो विकास करेगा उसी को न देंगे वोट। तो मतलब मोदी जी को वोट कर रहे हैं? बिल्कुल। हुआ आपका? देवानंद। इसी बस्ती में रहते हैं? हाँ। क्या काम करते हैं? लकड़ी उकड़ी काटते हैं, मध उध निकालते हैं। अच्छा, आप भी मध निकालने का काम करते हैं। देश में चुनाव चल रहा है, पता है कि नहीं? नहीं, अभी देश में चुनाव चल रहा है आपको नहीं जानकारी है? हम लोग बाहर भीतर रहते हैं भैया। तो देश का इतना बड़ा एक महापर्व है ये लोकतंत्र का, आप अच्छा वोट देते हैं कि नहीं? आप देते हैं भैया। तो अभी चुनाव चल रहा है, इसके लिए आप वोट नहीं दीजिएगा? जरूर देंगे भैया, काहे नहीं देंगे वोट। किसको वोट दीजिएगा इस बार? अब जो बढ़िया लगेगा उस पर देवे करेंगे भैया। अच्छा, बिहार में कुछ युवा चेहरा है, तेजस्वी यादव हैं, रामविलास चिराग पासवान हैं, कौन पसंद है दोनों में आपको? अभी तो सुनने ना है, चुपचाप जानने में आया था भैया, सब लालू पर देगा तो हम भी लालू पर देंगे भैया वोट। तो मतलब 5 साल में मोदी कुछ किए नहीं है? मोदी कहाँ कुछ किया है भैया। प्रेम सा, कहाँ रहते हैं पटना में? कौशल नगर। कौशल नगर, चुनाव चल रहा है देश में, किसको वोट करना है? लालू जी का। लालू जी को करना है? क्या है लालू जी को करना है? लालू जी घर मकान सब दिए हैं आपका। अच्छा, लालू जी घर मकान दिए हैं आपको। ये बताइए कि लालू जी जेल में हैं, इस चुनाव में वो आप लोग को नहीं मिल पाए हैं, दिख नहीं पाए हैं? ना देख पाए, उनका बेटा है ना। अच्छा, उनका बेटा जो है? हाँ, उनका है बस।
क्या नाम हुआ आपका? दयानंद सिंह। दयानंद सिंह क्या करते हैं? लेवन टी चाय घूम के बैठते हैं। अच्छा, पटना घूमते रहते हैं, चाय बेचते रहते हैं? पटना ने चितकोहरा मार्केट तक चितकोहरा घूमते हैं, चाय बेचते हैं। देश में चुनाव चल रहा है, पता है कि नहीं? हाँ सर, वोट करना है ना? हाँ सर। किस दिन पटना में वोटिंग है? 19 तारीख है। किसको वोट डालना है इस बार? अभी तो उतना खुल के नहीं बोलना चाहिए, वोटर बताइए बूथ पर जाएगा कहाँ पर बटन लगा तभी पता चलता है सर। हम लोग निकले हैं जानने के लिए कि किसको वोट कर रहा है जनता सर। हम जब वोट वहाँ वोट जहाँ गिरेगा वहाँ पर पता है कहाँ पर मिसाइल में डालना है उसी जगह पता। विकास के मुद्दे पे वोट डालिएगा या फिर जो पुराना सरकार आपके लिए काम किया है उसके पे, मतलब किस मुद्दे पे वोट करिएगा? सरकार जिस सरकार में बढ़िया राज चलाता है उसी सरकार को वोट होना चाहिए। 5 साल काम किए हैं आपके प्रधानमंत्री? करा है सर, किए हैं 5 साल प्रधानमंत्री काम। हाँ सर, चलिए ठीक। अशोक कुमार यही रहते हैं जी। चुनाव चल रहा है देश में, पता है? मालूम है। तो वोट करना है कि नहीं? देना है। किसको वोट करिएगा? अब किसको कहे, जो अच्छा लेगा उसी को देगा आदमी, आओ किसको बोले। 5 साल में प्रधानमंत्री कुछ किए कि नहीं आप लोग के लिए? बहुत किया, ऐसा बात तो नहीं किए हैं, बहुत किया है। क्या नाम हुआ आपका? कुंती। यही रहती हैं? देश में चुनाव चल रहा है, पता है कि नहीं? हाँ। तो वोट करना है 19 तारीख को, आपको वोट करना होगा। किसको वोट करिएगा? अब ऐसे कैसे बताएं, आप जाने पर ना वहाँ पर। अच्छा, आपके प्रधानमंत्री 5 साल में कुछ काम किए हैं कि नहीं देश के लिए? मेरा अमदी जान रहा है, हम लोग नहीं जानते। हम लोग आए हुए हैं एक्चुअली उन लोग के बीच। क्या नाम हुआ आपका? गीता देवी। गीता, आपका क्या नाम हुआ? हमको तो घर बहपुरा है, हम तो बहिन है, तो आए हुए हैं। अच्छा, आप आए हुई हैं घर पर संबंधी के। चुनाव चल रहा है देश में, प्रधानमंत्री फिर बनेंगे कोई, पता है? हाँ। पता कहाँ है हमको, हम जान रहे हैं कहाँ है अभी। अब तो सरकार है कि नीतीश कुमार सरकार बैठे हुए हैं, गरीब का देंगे राशन पानी खाने के लिए, अभी ध्यान में लगे कि सरकार दें हम लोग का गरीब आदमी का खाने पीने के लिए, यही तो खाली पाता है। चुनाव को तो मालूम ही नहीं है। तो क्या काम करते हैं आप लोग? ठेला रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, ठेला रिक्शा चलाते हैं। तो 19 तारीख को जो वोटिंग होना है, आप किस पार्टी को वोट कर रहे हैं? कांग्रेस का देंगे, कांग्रेस से पार्टी का। शत्रुघ्न सिन्हा को वोट करिएगा? हाँ। क्या किए हैं शत्रुघ्न सिन्हा आपके लिए? अभी तो किए तो नहीं, मगर लालू यादव तो हम लोग के लिए गरीब आदमी के बहुत कुछ किए हैं। रहने को मकान दिए, खाने को राशन कार्ड बनाए, बच्चा को शिक्षा देने के लिए स्कूल बनवा दिए, बच्चा के लिए खाने जीने का खाना भी देते हैं, कपड़ा लत्ता भी देते हैं। लालू जी इस बार चुनाव प्रचार में नहीं आ पाए हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है आप लोग, कोई असर नहीं पड़ रहा है उससे? आपको नहीं लग रहा है कि आपका जो नेता था वो आपके बीच नहीं आ पा रहा है? अब नहीं आ रहा है तो ये तो नीतीश कुमार नेता है, बना है, तो अभी तो बच्चा सबका छुरछे कर रहा है, देख ही सुन रहे हैं, वो का विसार रहे हैं, वो अभी तो बच्चा का तो नहीं है, तो आप सब बच्चा का कहता है कि भीख मांगने बंद करो, लकड़ी जरना चुनना बंद करो, सबको गैस सिलेंडर दिलवा देंगे, अपना गैस पर खाना बनाइएगा, बच्चा लोग को भेजिए स्कूल में, पैसा भी देंगे किताब कॉपी के लिए, कपड़ा के लिए, वही तो सरकार करे। अब जब से सरकार बने तब से वही सरकार तो गरीब आदमी के देख सुन रहे हैं और कर रहे हैं हम लोग का। तो मतलब वोट किसको करना है? कांग्रेस को करिए, कर रहे हैं आप लोग वोट? अब जो हम लोग का देख रहे हैं उन्हीं सरकार के ना देंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मौला चौहान। क्या काम करते हैं? बैठा बैठे। अच्छा, मतलब कुछ नहीं करते हैं, बैठते हैं। चुनाव है ना देश में, चल रहा है ना चुनाव, किसको वोट करना है इस बार? अब जिसको आत्मा आवेगा उस पर करेंगे। अच्छा, आपके प्रधानमंत्री कुछ 5 साल में आपके लिए किए कि नहीं किए? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किए हैं, कौन कर सकता है आप लोग के लिए, क्या उम्मीद है? कौन करेगा, भगवान जाने। अब बहुत सरकार को देखे होंगे आप अपने जीवन काल में, कोई ऐसा सरकार है जो आप लोग के लिए कुछ किया हो? हमें तो किया भाई कांग्रेस किया है।
क्या किया कांग्रेस आपके लिए? बहुत कुछ किया, जैसे कल दिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरिओम शरण हुआ। कहाँ रहते हैं पटना में? पटना में हम कौशल नगर में रहते हैं, कौशल नगर अपोलो रोड। कौशल नगर अपोलो रोड। चुनाव चल रहा है देश में? जी हाँ, मालूम है। तो आपके जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, कुछ काम किए हैं 5 साल में? जरूर किए हैं, अगर नहीं करते तो उनका नाम कैसे चल रहा होता? काम किए हैं। अगर वो नहीं किए रहते तो उनका नाम कैसे चलता पूरे कंट्री में? सिर्फ कंट्री में ही नहीं, अदर विदेश में भी उनका नाम चल रहा है। यूँ ही तो नहीं चल रहा बिना काम कर ले। अच्छा, आप क्या काम क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ, सुधा का आइसक्रीम बेचता हूँ, वेंडर हूँ। अच्छा, वेंडर हैं, आइसक्रीम बेचते हैं। तो आपको क्या फ़ायदा हुआ है इस सरकार से जो पिछले 5 साल से दिल्ली में बैठी हुई है? हमको, मुझे नहीं फ़ायदा हुआ, मगर हमारे जैसे अच्छे अच्छे बिजनेसमैन को भी फायदा हुआ है, आम जनता को भी फायदा हुआ है, गरीबों को भी फायदा हुआ है। किसको वोट कर रहे हैं इस बार 19 तारीख को? इस बार तो हम, ये तो हम नहीं बता सकते कि किसको वोट कर रहे हैं, क्योंकि वोट बताना तो आप तो ऐसा बता रहे हैं, बता सकते हैं। नहीं तो वो चीज़ भी कोई जनता नहीं बताएगी कि हम किसको वोट कर रहे हैं, मगर हाँ जो विकास किया है वोट तो जरूर जाएगा। ठीक, क्या नाम हुआ? मेरा नाम लखिया देवी। कहाँ रहती हैं यहाँ पटना में? कोहरा पुल के नीचे, जगजीवन नगर। अच्छा, यहीं पे रहती हैं। हाँ। देश में चुनाव चल रहा है, पता है आपको? हाँ है, पता। तो कौन नेता है आपका, किसके लिए, वो किसको वोट करना है? हम लोग लल्लू यादव के वोट देते हैं, सब गरीब लल्लू यादव के देंगे। लल्लू यादव हम लोग के मकान बना के दिया है, व्यवस्था दिया सब चीज का। अच्छा, 5 साल में आपके जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो कुछ काम नहीं किए हैं देश के लिए? कुछ भी नहीं, हम लोग के लिए कुछ भी नहीं किया है। जहाँ किया, जो नगर में किया वो अपना वोट दे रहा है, हम लोग लल्लू यादव के देंगे सीधा वोट। नीतीश कुमार भी कुछ नहीं किए हैं आप लोग क्या? मुख्यमंत्री हैं भी नहीं, हम लोग के कुछ भी नहीं। आज ले भी मंत्री बने मगर कुछ भी लिए हम लोग के व्यवस्था नहीं किए। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र सोनी। क्या काम करते हैं? ऑटो चलाते हैं? हाँ, यही चलाते हैं। कहाँ घर पड़ेगा आपका पटना में? ये गोसाई टोला। अच्छा, गोसाई टोला। चुनाव है ना, चुनाव चल रहा है देश में, प्रधानमंत्री चुनना है। हाँ, छोटका कोचना में, लालू का बेटा छोटका कोचना में। तेज प्रताप। तेज प्रताप प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ, प्रधानमंत्री बनेंगे तेज प्रताप। ऊपर हो जाए तो इस बार तो वो दावेदार भी नहीं है प्रधानमंत्री के। वोट किसको करना है? वही ललटेन का। ललटेन को कर रहे हैं वोट। हाँ। ठीक, क्या नाम हुआ चाची आपका? मेरा नाम लक्ष्मी देवी। पकौड़ी बना रही हैं? पकौड़ी बना रहे, कैसे गुजर जीवन काट रहे हैं। प्रधानमंत्री का भी कहना है कि पकौड़ी बेचना एक अच्छा बिजनेस है, एक अच्छा धंधा है। अच्छा, हम लोग तो जो कर रहे हैं तो देख रहे हैं, चौक चौराहा पर लगाने नहीं देता है दुकान, जबरदस्ती हम लोग दुकान लगाते हैं, फिर उठा करके सब लात पुत के ले जाता है कॉरपोरेशन में, फिर बाबू भैया करके 1,000 रुपया 5,000 जुर्माना करता है, तब ले आते हैं, तब दुकान फिर चाहते हैं। कहूँ फुटपाथ पर कहूँ कमाने के हम लोग का रास्ता नहीं छोड़े हुए हैं यहाँ के सरकार। चुनाव चल रहा है देश में अभी, पता है ना, तो किसको वोट करना है इस बार? कौन है आपका नेता? कैसे बताइए, बताइए। जो यहाँ का सरकार है उसी के ना हम लोग वोट देगा जो बना। नीतीश कुमार कुछ किए हैं कि नहीं आप लोग? देखिए रहे क्या कर रहे हैं, तो देख नहीं रहे हैं ना, हम लोग का वृद्धा पेंशन मिल रहा है, हम लोग का क्या चीज़ मिल रहा है? चोर चौराहा पर जो अपराध जो पुलिस है उजार पुजार देवे किया है, घर से भी घर कह ली है, तभी नीतीश कुमार के ना वोट देने के लिए हम लोग तैयार हैं। अब यो गरीब के शरण दे दे तो भारी बहुत मस्त। अच्छा, ठीक। पटना का जगदेव पथ और चितकोहरा ब्रिज जो है उसके नीचे जो झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ हमने लोगों से बात की और जानना चाहा कि उनका नेता कौन है। समाज का जो निचला तबका है, जो गरीब तबका है, वो आज भी मुखर तौर से लालू यादव को अपना नेता मानता है। उनका साफ कहना है कि लालू यादव ही उनके नेता हैं और नेता है। उनका साफ कहना है कि लालू यादव ही उनका नेता है और अब वो इस बार फिर से लालटेन में ही वोट डालेंगे। पर इसी बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल से खुश हैं और वो साफ बोल रहे हैं कि वो कमल को वोट करेंगे। News 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।